और करता धरता भी पहली ओवर में लूट मचाई थी भाईंदर पाड़ा की टीम टूर्नामेंट में पहली गेंद पर सैफ अपने आप को सेव करते हुए एक रन के साथ अकाउंट को खोलते हुए टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट है 46 रन का। टारगेट 46 रन। अब यहां पर पहली ओवर की जिम्मेदारी संभाली है गेंदबाज टनेन। टनेन बिल्कुल इस सीजन में काफी अच्छी गेंदबाजी से गुड है, लेकिन ये है टनेन की फुल टॉस गेंद थी, मात्र गेंद को निशा की पॉइंट। और जो कि कवर्स के क्षेत्र के खिलाड़ी थे शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, उनके सर के ऊपर से ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ परिवर्तित होती हुई 4 रनों के लिए। इस 4 रन के साथ स्कोर ने लगाई है छलांग, स्कोर जहां पहुंचा है 5 रनों। इसके बाद का काफी बड़ा मुकाबला आपको देखने मिलेगा, ये बा भाव एमसीसी वर्सेस सुनील स्पोर्ट्स वाकिल के बीच। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की चाहत थी जरूर, लेकिन गेंद रही टॉप के रूप में। यस सर, छक्कों की हैट्रिक के लिए अजय आपके लिए इनामी राशि बोलू की तरफ से 1001 रुपए। क्या बात, नरेंद्र की तरफ से 1001, भावेश की तरफ से 1001। ऑन फायर गेंद जाती है 1 मिनट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। व्हाट अ हिट, क्या बात है सैफ। यस सैफ की अगर बात करें तो ताबड़तोड़ बल्लेबाज माने जाते हैं अपनी टीम की ओर से, अच्छी बल्लेबाजी जरूर करते हैं सैफ। और उनका साथ देने उतरे हैं अजय, और अजय के लिए देखिए यहाँ पर 3 युवाओं ने 3000 रुपए लगाए हैं 3 6 में। बिल्कुल पार्टनर्स माने जाते हैं ये 3। और इस वक्त सैफ की अगर बात करें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, तने पर उन्होंने किया है अटैक कर, स्कोर जा पहुंचा है 11 रनों पर। इसी बीच अगली गेंद, इस बार आने वाले से खेला है गेंद जाती है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, पावर प्ले का ओवर जारी है, स्कोर जा पहुंचा है इस वक्त 15 रनों पर। नेक्स्ट मैच एक बड़ा मुकाबला माना जा रहा है, एक बेहतरीन मुकाबला माना जाएगा, क्योंकि एक तरफ है वाकपी की नामी ग्रामी टीम तो दूसरी तरफ योगा भाव एमसीसी जो कि इस होम ग्राउंड की डेंजर टीम मानी जा रही है। और दोनों ही टीमों की अगर बात करें तो दोनों ही टीमों के पास इस सीजन में 2-2 ट्रॉफी मौजूद हैं चैंपियंस की। अब यहां पर देखना यह है, दो बड़े दिग्गज जब भिड़ते हैं तो फिर मैच देखने का मजा ही कुछ अलग होता है, दर्शकों के लिए ये मैच काफी इंपॉर्टेंट होगा। और इस वक्त दो बड़ी टीमें आपस में टकराएंगी इसके बाद जरूर। इस वक्त स्कोर है 15 रन, टारगेट रखा गया है 46 रनों का, उसका पीछा करती हुई इस वक्त ब्रह्मांड स्पोर्ट्स की टीम। तने की अगर बात करें तो अब तक के गेंदे कर चुके हैं 5 और 5 गेंदों में 15 रन उन्होंने जरूर खर्च किए हैं। तने की अंतिम और आखिरी गेंद आना बाकी, सैफ सामना करने के लिए सज्ज होते हुए कदमों का इस्तेमाल किया, कारपेट के सारे खेला गया, स्लो गेंद आती हुई और रोहित ताकी से खराब फील्डिंग यहां पर देखने मिली। 4 रन ओवर की हुई है समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर है 19 रन, यानी लूट यहां पर सैफ ने मचाई है। तैयारी के लिए साइड
एक ओवर 19 रन, अगली गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है इस वक्त। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश है और क्या फील्डिंग की है डॉक्टर डाकी ने। गेंदबाज योगेश खेल रहे अजय, बंद करना होगा। बिल्कुल, इस दो रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 21 रनों पर। 25 रनों की जरूरत है, 17 गेंदें बची हुई हैं। इसी बीच अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर कट गया, हाना के इशारे नजदीकी मामला यहां पर हो सकता था। कीपर राकेश ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, गेंद रही डॉट के रूप में। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए इस बार कॉलर तो में खुद योगेश और ये खूबसूरत कैच जिन पर इनामी राशि लगी थी वही खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हैं। काफी समय के बाद जॉय के यहाँ पर दर्शन हुए। परफेक्ट ऑलराउंडर है लेकिन गेंदबाजी नहीं की, कुछ शोल्डर में इंजरी है इसलिए इस बार ये अच्छा स्लो कार्पेट के साथ खेला। और यहाँ पर मैं डॉक्टर डाकी की तारीफ करूंगा, खिलाड़ी बॉल छोड़ने के बाद आपस में बहस कर रहे थे लेकिन डॉक्टर डाकी ने अपने काम को अंजाम तक के पहुंचा है, क्या बात है। इसलिए हम कहते हैं स्मार्टी डाकी डॉक्टर डाकी। तीन रन दौड़ कर पूरे किए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने। बिल्कुल आउटफील्ड काफी अच्छी है, कहीं कहीं थोड़ी सी आउटफील्ड में खराबी है लेकिन चलिए उसे भी पूरा करने की कोशिश इस ग्राउंड में जारी है। और इस सीजन में ये ग्राउंड काफी सुंदर यहाँ पर नजर आएगा सभी टीमों की मेहनत से। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 26 रनों पर। जीत के लिए 20 रनों की जरूरत है, बची हुई गेंदे हैं इससे में इस वक्त 13 गेंदे 20 रन। विकेट का पता खूबसूरत कैच है यहाँ पर राकेश ने जरूर पकड़ा है।
और एक सेट मैच को इन्होंने आउट जरूर दिया है। 12 गेंदें बची हैं और जीत के लिए 20 रनों की जरूरत है। बॉल बोलते थे ना कहाँ था बारह गेंदे जीत के लिए 20 रनों की जरूरत 12-20 का ये मैच। न्यू बैट्समैन महेश अगरी पोरा लागले तर कसा घेऊ चालू कर बघू पडते का मी कसं लोकेशन घेऊन साई कृष्णाची पडली साई कृष्णाची या साईडलाच पाठवतो ना करून सुविधा खाता एक रन के साथ पूरा जॉय ने दूसरी गेंद पर किया प्रहार। मैच में टीम को लाकर खड़ा करने की कोशिश की है। 11 गेंदे बची हुई है और जीत के लिए जो रनों की जरूरत है वो है 14 रन। क्षेत्र में एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। लास्ट ओवर तक खेलना है। जॉय लास्ट तक खड़ा रे। इस बार देखिए मौका मैच में वापसी इस वक्त स्कोर जा पहुंचा है 35 रनों पर। 11 रनों की जरूरत है। 10 पे 11 गेंदें बची हैं 10। यस सर, टैग बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। ये चेहरे पे जो बड़ी वाली स्माइल आई है क्या बात है, वो नरेंद्र के कैमरे में आती है। बिल्कुल जॉय ने मैच का दृश्य चेंज कर दिया है। यहाँ पर रोहित को लाया गया था रनों को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए अटैक ऊपर ही करते हुए जॉय नजर आ रहे हैं। और स्कोर देखिए इस वक्त जा पहुंचा है 41 रनों पर। 5 रनों की जरूरत इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए, 5 रनों की दरकार। इस बार ये अच्छा स्ट्रोक गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 4 रनों की।
बिल्कुल कल का दिन इनका था, लेकिन आज इनका दिन थोड़ा सा कठिनाइयों वाला नजर आ रहा है, क्योंकि जीत के लिए जिस वक्त 20 रनों की जरूरत थी उस वक्त इन्हें भेजा गया था और इन्होंने खर्च कर दिए लगभग 17 रन, 19 रन। एक रन की जरूरत है, भागना है क्या? एक रन लेने के लिए काटूंगे उसको, सिर्फ रनिंग करने के। डॉक्टर डाकी आए हैं गेंदबाजी कमान पर, 6 गेंदे और जीत के लिए 1 रन की जरूरत। चलिए मैच की समाप्ति। वेलकम कांची पाटिल साहब, सुस्वागत है ना, आना है मंच के ऊपर आपको।